आगरा की तहसील सदर में महीने के तीसरे शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने जन शिकायतों को सुना। समाधान दिवस में आई कुल 136 शिकायतों में से 8 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने राजस्व और पुलिस विभाग के साथ आगरा विकास प्राधिकरण से संबंधित दोबारा आने वाली शिकायतों पर नाराजगी जताई। शनिवार को तहसील सदर में कई दर्जन भर से अधिक लोग पहुंचे। इन्होंने शिकायतों के निस्तारण न होने का आरोप लगाया। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई। 136 शिकायतों में से 8 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने शिकायतों को सुना। इस दौरान तहसील दिवस में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे फरियादियों ने बताया कि खसरा खतौनी में नाम चढ़ाने के लिए 2 माह पूर्व आवेदन किया गया था, अभी तक यह कार्य नहीं हुआ है। शाहगंज निवासी विनोद गुप्ता ने बताया कि 1 माह के बाद भी निवास प्रमाण पत्र बनकर नहीं मिला है। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने समाधान दिवस में आई शिकायतों को गुणवत्ता पूर्वक जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में दोबारा आने वाली शिकायतों पर जवाबदेही तय करते हुए जल्द निस्तारण के भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 136 शिकायतों में से 8 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। अन्य शिकायतों का संबंधित विभाग को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार को संपूर्ण समाधान तहसील सदर में मुख्य रूप से राजस्व विभाग की 46, पुलिस की 28, ब्लॉक की 9, नगर निगम की 12, आगरा विकास प्राधिकरण की 4, पीओ डुडा की 4, विद्युत विभाग PVNL की 6, पूर्ति निरीक्षक की 4, शिक्षा विभाग की 6, CMO कार्यालय से संबंधित 4 शिकायतें आईं। इन सभी शिकायतों को गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए हैं। आज यहाँ आगरा में सदर तहसील में समाधान दिवस किया गया है। यहाँ मुख्यतः जो शिकायतें हैं वो राजस्व विभाग की पैमाइश से रिलेटेड, सरकारी ज़मीनों पे कुछ कब्जे की शिकायत है, कुछ थानों से संबंधित प्रकरण है, कुछ नगर निगम से संबंधित प्रकरण है, तो मिक्स तरह की शिकायतें आई। संबंधित को निर्देश दिए गए हैं कि उसका समयबद्ध तरीके से निस्तारण कराया जाए। इसके अतिरिक्त जो पुराने निस्तारण हुए हैं उनका भी कुछ शिकायतों का फ़ोन पे वेरिफिकेशन किया गया है, उसमें कुछ निस्तारण सही मिले हैं लेकिन काफ़ी निस्तारण अभी अधूरे या फिर प्रॉपर तरीके से नहीं किए गए हैं, जिसमें अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, उनको एक बार पुनः चेक करेंगे और अगर गलत रिपोर्ट, जो कंप्लेनेंट ने फ़ोन पे कहा है कि रिपोर्ट गलत है, अगर वो तथ्य सही पाए जाते हैं स्थल पे, तो उसमें संबंधित अधिकारी कर्मचारी का दायित्व भी निर्धारित किया जाएगा और निस्तारण भी पूर्णतः दोबारा कराया जाएगा। इसके लिए भी आज पहली बार मैंने यहाँ पे किया है इंस्पेक्शन तहसील दिवस का, तो ये सभी को डायरेक्शन जारी भी किए जाएंगे और जो आज आए नहीं हैं उनका वेतन भी काटा जाएगा और भविष्य में नहीं आएंगे तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तहसील दिवस में आने वाली शिकायतों का विवरण सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा होने के कारण IGRS पर जितनी भी शिकायतें जनता दर्शन के माध्यम से आती हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। शिकायतकर्ता पर सीधे लखनऊ स्तर से फोन आता है कि आप अपनी शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट हैं या नहीं, लेकिन जिला स्तर पर कुछ अधिकारी अपनी मनमानी के कारण जन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन अब तहसील सदर में तहसील दिवस पर आने वाली शिकायतों को गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण और संबंधित विभाग को जवाबदेही के साथ शिकायतों को गंभीरता से लेने को कहा है। इस दौरान मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने तहसील सदर में विरासत दर्ज करने के मामले में 35 दिन से अधिक समय वाली पत्रावलियों और जन शिकायतों के निस्तारण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उनके जल्द निस्तारण के निर्देश के साथ ही समय समय पर तहसील सदर में औचक निरीक्षण करने की भी बात कही। तब पे अभी कार्य करने की जरूरत है, यहाँ की टीम को, स्पेशली राजस्व विभाग को कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि काफी शिकायतें देखी गई जहाँ अभी निस्तारण पार्शियल हुआ है लेकिन पूर्णता निस्तारण नहीं हुआ है, तो उस पर मैंने डायरेक्शन दिया है ये लोग काम करेंगे। और जैसा मैंने बताया, जो जहां निस्तारण अगर गलत पाया जाता है फाइनल वेरिफिकेशन में, तो संबंधित को दंडित भी किया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।